हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज गए हैं ऑलमोस्ट 11:45। हम थोड़ा लेट निकले क्योंकि हम अपना वेनिस का दिन थोड़ा रिलैक्सिंग मोड पे स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें घूमने को है तो हम सोच रहे हैं कि आराम आराम से घूमें, अपना टाइम लेके घूमें। तो हम निकल लिए यहाँ पे, मतलब 8:30-9 बजे तक उजाला रहता है, तो 9:30 इनफैक्ट कल हमारे पास स्टिल 8 to 9 hours हैं घूमने के लिए। यप, तो हम निकल दिए हैं। अभी जाके कुछ थोड़ा सा खा पी लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने पहले टूरिस्ट स्पॉट से। सो सी यू देयर। डे पास ले लिया है, ये 24 hours तक वैलिड है फ्रॉम द पॉइंट यू स्टार्ट योर फर्स्ट ट्रिप। और वेनिस में हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन, ट्रैम, वाटर बोट्स, सब के लिए वैलिड है ये डे पास। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप पूरा वेनिस कवर करना चाहते हैं। सब ने ही रेकमेंड किया, हमारे होटल रिसेप्शन पे जो बैठे थे उन्होंने भी, और जहाँ पे भी हमने टिकट काउंटर से पूछा और नेट पे भी हमने सर्च किया। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको पूरे दिन घूमना है और मल्टीपल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत है तो। और वेनिस में कई सारे आइलैंड्स हैं जिसको हम आज कवर करेंगे, और उनके लिए आपको वाटर बोट से ट्रेवल करना है। वाटर बोट्स वन वे आपको 7.5 यूरो पर पर्सन पड़ता है, तो ये ऑप्शन डेफिनेटली बेस्ट है। और मिलते हैं फिर। और ये हमें 21 यूरो पर पर्सन पड़ा है। हमारा जो होटल है वो है मेस्त्रे में, विच इज 15 मिनट्स अवे फ्रॉम वेनिस। सो हमने सोचा कि हम क्यों ना वेनिस में जाके अपना लंच करें, तो इसीलिए अभी हम ट्रैम से एक जगह पे आए हैं और यहाँ से अब हमारी बोट है जो कि हमें लेके जाएगी उस स्पॉट पे। तो ये हम लोग बोट पे हैं और यहाँ से हम आपको अपना व्यू भी दिखा रहे हैं। इन टोटल अराउंड 435 से भी ज़्यादा ब्रिजेस हैं। सो ओवर द ग्रैंड कनाल एंड स्मॉलर ब्रिजेस लाइक दिस। सो फेमस वेनिस की गलियाँ, की गलियाँ इतनी छोटी है कि गूगल मैप्स एक्चुअली डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो आप लोगों से पूछ पाछ के ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना। बिल्डिंग्स काफ़ी यहाँ पे पुरानी है और उस हिस्ट्री को दर्शाती है ये पुरानी बिल्डिंग्स। खाना वाना खा लिया है और हम जा रहे हैं वेनिस का पहला आइलैंड विजिट करने, जिसका नाम है बुरानो। बुरानो वेनिस के मेन आइलैंड से अराउंड 8 किलोमीटर्स दूर है, तो हम वहाँ पहले जाएंगे, उसके बाद मुरानो और बाकी जो आइलैंड्स हैं उनको देखेंगे। तो लेट्स गो। हाँ गाइस, यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, आपको हमारे फेस से पता लग रहा होगा कि हम लोग, मतलब टेम्परेचर हिसाब से अगर देखें तो इट्स जस्ट 20-24, बट जो धूप है, गर्मी है, वो इतनी ज़्यादा लग रही है कि वी आर एग्जॉस्टेड ऑलरेडी। बट होपफुली उस आइलैंड में जाके थोड़ा सा हम रिलैक्स्ड हुए और हमें अच्छा फील हो। और ये हमारी बोट टैक्सी आ गई है जो हमें पहले मुरानो फिर बुरानो लेके जाएंगे। हमारा
अभी हम हैं मुरानो आइलैंड में, जो अपने ग्लास मेकिंग के लिए बहुत ही फेमस है। आप देख सकते हो ये सारे शॉप्स हैं जिनमें बहुत सारे ग्लास के आर्टिफैक्ट्स हैं। यहाँ पे ग्लास मेकिंग फैक्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत सारे प्यारे प्यारे अलग अलग डिज़ाइन के ग्लास के आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं। ये वर्ल्ड फेमस है, ऐसे डिज़ाइंस आपको और कहीं नहीं दिखेंगे। आप ये देख सकते हो बहुत सारे मास्क के डिज़ाइंस है जो एक वेनिस की पहचान है। वेनिस में कार्निवल होता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च, जिसमें अलग अलग मास्क पहन के, डिज़ाइंस पहन के लोग स्ट्रीट्स पे उतर के आर्ट्स परफॉर्म करते हैं, तो इट्स फेमस फॉर दैट। और हम फिर निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुरानो आइलैंड के लिए। हम मुरानो आइलैंड पहुंच गए हैं और हमने घूमना स्टार्ट कर दिया है एक एक जो यहाँ के स्पेशलिटी। एक टावर देखने, उस टावर को बोलते हैं लीनिंग टावर ऑफ मुरानो, बिकॉज पीसा की तरह ये भी लीन है, एक साइड ढला हुआ है। और इसकी स्पेशलिटी यही है कि उसके बगल में रेनबो कलर के हाउसेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। कैनल के बगल में दोनों साइड पे इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाउसेस है। एक फ़िशरमैन विलेज था अपने ज़माने में और यहाँ पे सेटलमेंट थी काफ़ी सारे लोगों की। यहाँ पे अभी देख के बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता कि यहाँ पे आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, पर बहुत सारे लोग थे। तो अभी सिर्फ ये स्पेशली टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बन के रह गए हैं। बहुत कुछ सारे लोग यहाँ पे रहते हैं जो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह होस्ट करते हैं सर है, तो फिश के सारे सी फूड के सारे आइटम्स जो है वो डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए। और मुरानो बेसिकली यहाँ के जो रेनबो हाउसेज हैं, इनको रेनबो लेन्स, रेनबो हाउसेज बोलते हैं, ये इसी के लिए फेमस है। एंड ऑल्सो यहाँ का लेस भी बहुत फेमस है। yes. मुरानो का ग्लास फेमस है और यहाँ के लेस डिज़ाइन फेमस हैं। तो हमने कुछ शॉप्स दिखाई जहाँ पे फुल लेसेस की ड्रेसेस, कैप्स, अम्ब्रेला एंड वॉट नॉट। बहुत ही बढ़िया दिन रहा। हम अभी मुरानो आइलैंड घूम के अपने होटल वापस जा रहे हैं। सुंदर व्यू है, रात में वेनिस का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। आज है हमारा लास्ट डे ऑफ द ट्रिप, तो अभी हमने होटल से चेकआउट कर लिया है, ट्राम लेने जो कि हमें वेनिस तक छोड़ेगी। और आज हमने सोचा है कि हम आज गंडोला राइड लेंगे, जो कि यहाँ का स्पेशल है, नॉट टू मिस थिंग, वन ऑफ द थिंग है। तो देखते हैं कैसा जाता है दिन, चलिए आपको भी लेके चलते हैं। वेनिजिया आइलैंड और वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत एक दो स्टॉपेज घूम लिया। अभी हो रहा है लंच का टाइम, तो हम उसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहाँ पे हमने कल खाया था। एंड दिस इज द व्यू ऑफ द ग्रैंड कैनाल फ्रॉम टॉप ऑफ द रियाल्टो ब्रिज। पोंटे डेल रियाल्टो एक बहुत ही पुराना ब्रिज है वेनिस में ओवर द ग्रैंड कैनाल, और अभी एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट है। और ये देखिए हम निकल पड़े हैं द फेमस गंडोला राइड पे। अपने अपने जगह पे अच्छे से बैठ गए ताकि व्यू का
बढ़िया से आनंद लिया जा सके। और हम इसी का एक्सपीरियंस लेने आए हैं, ये फेमस नैरो लेन्स पे गंडोला राइड करके। इट्स अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। इट्स कॉस्टली राइड और इसीलिए आई डोंट थिंक मैक्सिमम लोग दूसरी बार ये राइड लेते होंगे, बट इट्स वर्थ इट, सो मस्ट ट्राई। और ये कैनाल में थोड़ा सा ट्रैफिक जैम लग गया था, फिर अभी क्लियर किया गया है। बहुत लोग इसीलिए ग्रैंड कैनाल से दूर ही ये गंडोला राइड करते हैं ताकि उनको ये ट्रैफिक जाम से बचे। और यहाँ के राइड की अलग फील है, बिकॉज़ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लोग कवर करते हैं। गंडोला राइड से और हमारा एक्सपीरियंस ये है कि दो लोगों के हिसाब से ये राइड हमें उतनी वर्थ नहीं लगी जितना इसका कॉस्ट है। और 30 मिनट्स लिखा है बट इन्होंने सिर्फ 20 मिनट्स ही घुमाया, तो उस हिसाब से तो वर्थ नहीं लगी। बट हाँ, अगर आप 4-5 लोगों के ग्रुप में आ रहे हो या फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप ये ज़रूर कर सकते। अभी हम आ गए हैं सेंट मार्क स्क्वायर पे, जो वेनिस का लोजे रूम माना जाता है, जहाँ पे सिटी के मेजर सारे इवेंट्स होस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे बेसिलिका सेंट मार्क से लेके और बहुत सारे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। आपको ये बता दें कि वेनिस में हाई टाइड के समय ये पूरा एरिया फ्लडेड हो जाता है। और सडनली बारिश स्टार्ट हो गई इतने प्यारे मौसम में, एंड लोग भाग रहे थे। हमारा इटली का ट्रिप ख़त्म होने वाला है और हमने सोचा कि जाने से पहले इटली का जो फेमस क्विजींस है, इटालियन क्विजीन ट्राई करके हम निकले यहाँ से। तो हम अभी बैठे हैं, अपना डिनर कर लेंगे। और ये लास्ट डिश है, डिनर है वेनिस का। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ना, एकदम गार्लिक वाला टेस्ट पेगेटी में, एग्जैक्टली वही मिला है मुझे, सो हैप्पी। गाइस, सो हम लोग जा रहे हैं अपनी बस पकड़ने फ्रॉम वेनिस टू प्राग, और हमारी हालत खराब कर दी आके ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने और गूगल ने स्पेशली। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 7 बज गए और हम पहुंच गए हैं म्यूनिख, पहुंच गए फाइनली। एंड वो सेइंग है ना कि देयर इज नो फीलिंग लाइक होम, सीरियसली। तो बस अभी हम यहीं पे हमारी व्लॉग सीरीज, हमारी ट्रिप एंड होती है। हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया, होपफुली आप लोगों ने भी हमारे साथ इस व्लॉग को, सीरीज को उतना ही इन्जॉय किया। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है तो अगर बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो प्लीज वो जरूर करिए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थिंग्स टुगेदर।